सो ही गाइस, आप लोग को मालूम होगा कि विजय मेहर जी ने अभी अभी नई फोटो पोस्ट करे हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, या फिर विजय मेहर जी को आप फॉलो करते हैं तो आप लोग ने विजय मेहर जी का ये बाइक वाला फोटो देख लिया होगा। तो गई सर, मैं आप लोग को सेम ऐसा फोटो एडिट करना सिखा दूंगा। सो गई सर, आप लोग को करना है क्या, आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप लोग ऐसा सेम फोटो एडिट कर पाएंगे। तो मैं आप लोग को अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल सेम एडिट करना सिखाऊंगा, बट आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है, जरा से वीडियो कहीं पर स्किप नहीं करना गाइस, मैं आप लोग को सेम एडिट करना सिखा दूंगा। तो गाइस सर, चलते वीडियो की तरफ, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हम। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और गाइस, अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ आप फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर लेना। गाइस, मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मेरे 1K सब्सक्राइब कम्प्लीट होने ही वाले हैं। तो गाइस सर, मैंने 1K के ऊपर एक स्पेशल ब्लॉग रखा है, अगर आप लोग को ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि भाई हाँ ब्लॉग ले आओ, तो मैं फटाक से ब्लॉग को ले आऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट कर दो कि भाई ब्लॉग लाओ जल्दी से। तो चलिए फटाक से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आप लोग को सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना होगा, और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड भी ओपन कर लिया हूँ। सो गाइस, जो भी बैकग्राउंड एंड PNG यूज़ करूँगा, सारे की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। सो चलिए पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग को करने का, आप लोग को ऐड फोटो पे जाना है, और ऐड फोटो पे जाने के बाद आप लोग को अपनी फ़ोटो को ले आना है। तो गाइस सर, आप लोग को फ़ोटो कैसे क्लिक कराना मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो गाइस सर, आप लोग को वाइट टी शर्ट या शर्ट पहन लेना, अगर आप लोग के पास वाइट टी शर्ट एंड शर्ट नहीं है तो मैं विजय मेहर का ही PNG दे दूँगा शर्ट की, अगर आप लोग के पास है तो आप लोग वाइट टी शर्ट या शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है। तो और गाइस, मैंने क्या सोचा कि अगर आप लोग को मैं बाइक का PNG दूंगा ना, तो कई लोग बाइक को अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कोई छोटा बाइक करके एडजस्ट कर देगा या बड़ा कर देता है, तो मैंने क्या सोचा कि मैं बाइक का PNG नहीं देता हूँ, यहीं पे लगा के एडजस्ट करके बता दूंगा आप लोग को। तो मैं इसे फ्लिप कर लेता हूँ और आप लोग को इस एंगल पर फ़ोटो क्लिक कराना है, ठीक है। तो वाइट टी शर्ट पहनेंगे ना तो थोड़ा सा मतलब मैच करने लगेगा, और बकाया कुछ नहीं है बट मैच करने लगे, इस वजह से आप लोग को कह रहा हूँ कि आप लोग वाइट टी शर्ट या शर्ट पहन लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को कुछ इस टाइप से मॉडल को एडजस्ट कर लेना है, एंड आप लोग को ओपेसिटी कम करके ही करना है, ठीक है। तो इससे ओपेसिटी कम करने से क्या ना, आप लोग को थोड़ा सा आइडिया आएगा। तो मैंने इस टाइप से कम कर लिया हूँ, एंड फिर मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं इसकी इरेज टूल्स पे जाता हूँ, ठीक है। और इरेज टूल्स पे जाने के बाद हार्डनेस को फुल एंड साइज़ को अपने अकॉर्डिंग रख लेता हूँ, एंड फिर मैं इरेज कर लेता हूँ ये पार्ट, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या इरेज करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग को ऐसे बाइक दिख रही होगी, तो बाइक पर जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, वो आप लोग को रिमूव करना बड़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं कुछ इस टाइप से रिमूव कर रहा हूँ, और जब रिमूव कर लूँगा ना, फिर आप लोग देखेंगे कि फ़ोटो एक नंबर का लगेगा, ठीक है। तो मैं फटाक से कर लेता हूँ, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने कर लिया हूँ ये काम। तो गाइस, मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ डन, एंड डन करने के बाद गाइस आप लोग को करने का है, तो मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ गाइस, आप लोग को आराम से एडिट करना है, थोड़ा सा वीडियो पे आप लोग को मैं अच्छे से नहीं बता पाया हूँ, मतलब अच्छे से नहीं कर पाई हूँ, तो आप लोग को आराम से करना है, ठीक है। फिर गाइस, आप लोग को करने का है, ड्रॉ टूल्स पर चला जाना है, एंड ड्रॉ टूल्स पर आने के बाद आप लोग को यहाँ से क्या करना है, पेंसिल वाला आइकन पर जाना है, एंड आप लोग को पहले तो हार्डनेस को कम कर लेना है, ठीक है। और फिर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इसके साइज़ को कुछ इतना रखना है, एंड ओपेसिटी को कुछ इतना, ठीक है। और फिर आप लोग को कुछ इस टाइप से शैडो क्रिएट कर देनी है, ठीक है। तो मैं आप लोग को फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग को आराम से एडिट करना है, वीडियो बनाते समय थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाता, बट आप लोग को आराम से करना है, ठीक है। एंड फिर आप लोग को यहाँ से डन कर लेना, आप लोग को बताता हूँ मैं क्या करना है फिर, ठीक है। पहले मैं शैडो क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैंने शैडो को क्रिएट कर लिया हूँ। तो आप लोग लेयर पे जाके इसके ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप लोग को कितना चाहिए, तो मैं इतना ही रखता हूँ। एंड गाइस, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले आइकन पे जाके फ़ोटो को कर लेता हूँ सेव। तो गाइस क्या है ना, अगर आप लोग देखो वाइट टी शर्ट पहनेंगे ना, तो बैकग्राउंड भी मैच करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग को वाइट टी शर्ट ही पहननी है। तो गाइस, मैं क्या करता हूँ, मैं स्नैपसीड पर चला जाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं स्नैपसीड एप्लीकेशन पर आ गया हूँ। तो गाइस, आप लोग
लोग को करना है पेंसिल वाला आइकन पे जाके डिटेल्स को ले लेना है और गाइस आप लोग को डिटेल्स को डाल देना है ठीक है। एंड फिर आप लोग को पेंसिल वाला आइकन पे जाके टून इमेज को ले लेना है और टून इमेज की जो भी एडिटिंग है वो आप लोग देखते जाइए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, आप लोग को भी वैसे ही सेम कर लेना है। तो गाइस सर देखो व्हाइट टी शर्ट पहनने से क्या ना बैकग्राउंड भी मैच करेगा एंड आप लोग की फोटो सेम भेजे मैं जैसे ही एडिट हो जाएगी ठीक है। तो आप लोग को रखना है याद कि भैया व्हाइट टी शर्ट ही पहनना है ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाऊँ बट आप लोग को आराम से करना है ठीक है। एंड गाइस अगर आप लोग और भी एडजस्टमेंट करना चाहते तो आप लोग लाइट रूम की मदद से कर सकते हैं एंड आप लोग यहीं पे भी कर सकते हैं और भी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, इस वाले आइकन पे जाके फोटो को कर लेता हूँ सेव। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो गैलरी पे सेव हो चुका है। तो गाइस सर आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और गाइस 1K के ऊपर जो मैं ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ उसके लिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा तो मैं ब्लॉग को जल्दी बनाऊँगा ठीक है। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।